एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों से तंग आकर कारोबारी ने की आत्महत्या। हरियाणा के पानीपत जिले में फ्रेंडशिप डे पर एक कारोबारी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम रजनीश तिवारी बताया जा रहा है, जो कि कपड़ों का कारोबारी था। उसने करीब 1.5 साल पहले अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर नेपाल में माल बेचा था। आरोप है कि उसके 2 दोस्तों ने इस दौरान उसके 4 लाख रुपए हड़प लिए। मध्य लोक भवन के बड़े खर्चे को लेकर टेंशन में सरकार, मेंटेनेंस के लिए किराए पर देने की तैयारी। मध्य प्रदेश की गतिविधियों का केंद्र बनाने वाला मुंबई में बना मध्य लोक भवन सरकार किराए पर देगी। तंग हाली से गुजर रही कांग्रेस सरकार ने 3,879 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुए प्रदेश के भवन को संचालित करने के लिए इसे पर्यटन विभाग को सौंपने की तैयारी कर ली है। शक में पत्नी पर पेपर कटर से हमला, भागने की कोशिश में किया ऐसा काम, पहुंचा अस्पताल। दिल्ली संगम विहार इलाके में एक व्यक्ति ने पत्नी पर पेपर कटर से हमला कर घायल कर दिया। महिला को उसके 2 बेटों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि पिता को घर में बंद कर दिया। आरोपी ने पड़ोसी के मकान पर छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन छत पर गिरने की वजह से वह घायल हो गया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।